हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज एडवेक। स्वागत करता हूं अपने चैनल फेक जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक जो अपडेट, एक नई अपडेट यहां पर आई है, मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये पता होगा कि भारतीय वायुसेना में नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन दोस्तों, एक नया अपडेट आ गया है सामने, जो है वो क्या अपडेट है मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अभी तक शायद ही किसी को ये अपडेट के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए और आप लोग को इस जो चेंजेस आई है, इस चेंजेस के बारे में इसको बताया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चेंजेस आई है अभी तक, जो जिन लोगों को, मतलब जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट होंगे उनको ये पता होगा कि अभी तक सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता होगा, लेकिन अभी एक नया अपडेट आ गया, मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कैंडिडेट सेक्शन में जाना है। आपको यहां से कैंडिडेट सेक्शन में आपको लॉगिन कर लेना है। वेट, कैंडिडेट सेक्शन में लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर वाइट रंग का एक बोर्ड खुल के आएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट का होगा। आप मॉक टेस्ट पे सिंपली लॉगिन करेंगे। मॉक टेस्ट पे लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं फिजिक्स एंड मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ये दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका जो है, जो मेन चीज़ है, वो आपका सामने यहाँ पर खुल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में कि चेंजेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो चेंज आई है, पिछली बार जो था, देखिए ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता था तो क्या होता था कि एक पेपर आता था 50 नंबर का, उसी में से आपका एक्स वाई ग्रुप का जो भी फिजिक्स एंड मैथ्स जो भी सेक्शन होता था वो सारे क्वेश्चंस एक में रहते थे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर एक नया चेंज आ गया है, यानी ऑनलाइन होने के बाद जो पिछला ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था उसमें क्या किया गया था कि आपको दो पेपर अलग अलग, मैथ्स एंड फिजिक्स के जो भी मतलब थे पेपर, वो अलग अलग दिए गए थे। ठीक है, 20-20 जो मतलब टाइमिंग जी थी वो 20-20 मिनट की टाइमिंग थी। ठीक फ्रेंड, लेकिन अब इस बार जो है ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है उसने भी ऑफलाइन पैटर्न को उठा लिया, यानी ऑफलाइन पैटर्न को कर दिया गया है। आपको यहाँ पर जो मेन जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने लायक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 9 नंबर देखिए लिखा है। अब जो अपडेट क्या है, जो नई अपडेट क्या है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक ग्रुप के लिए हल किए जाने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या और उनका क्रम नीचे दिया गया है, यानी नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्ट फॉर इस ग्रुप एंड देयर सीक्वेंस इज एज गिवन बिलो, यहाँ दिया गया है। ठीक है, नीचे देखिए, अब जो क्या अपडेट है, देखिए एक्स वाई ग्रुप के लिए जो भी पेपर होने वाला है वो यहाँ पर देखिए, मैथ्स फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सीधे सीधे का अंक 50, यानी 50 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, अवधि 40 मिनट। यही चेंज है फ्रेंड, मैं जो आपको बता रहा हूँ चेंजेस क्या आई है, चेंज यही आई है कि जो आप पेपर होगा आपका वो होगा 50 नंबर का और आपको समय दिया जाएगा 40 मिनट, यानी अब दोनों पेपर आपके अलग अलग नहीं होंगे, दोनों पेपर एक साथ आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में ही अब एक साथ आपके पेपर आएंगे, आपको अलग अलग समय नहीं दिया जाएगा, आपको एक साथ पेपर होगा और एक साथ समय दिया जाएगा, यानी 40 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 नंबर के क्वेश्चन एक साथ आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, और नीचे देखिए अंग्रेजी के 20 नंबर यानी 20 मिनट दिए जाएंगे और रीजनिंग के लिए आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, 25 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जो है अब ऐसे आने वाली है। चेंजेस क्या है, चेंजेस ये फिजिक्स और मैथ के पेपर एक साथ अब आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यही है। अगर आपको इस जो अगर डिटेल मैंने दी है, अगर ये डिटेल आपको पहले से पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये मुझे पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो शेयर करिएगा। ये नई अपडेट थी तो मैंने सोचा कि आप इस पर वीडियो बनाकर आप लोग को बता दिया जाए कि जो अपडेट आई है वो क्या अपडेट है। कीप शेयरिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू।